अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। अगर आप यूएई में स्टे कर रहे हैं तो आपको गाड़ी ड्राइव करने के लिए 2 दिन के लॉकडाउन में आपको एक परमिट लेना पड़ेगा, जिसके लिए आपको आपको ब्राउज़र ओपन करें और movepermit.gov.ae वेबसाइट को सर्व करें। उसके बाद एक फॉर्म ओपन होगा, इसमें आपने फ़ोन नंबर ऐड करना है। फ़ोन नंबर ऐड करने के बाद आपको एक मैसेज आएगा आपके नंबर पर, जो नंबर आप लिखेंगे वो होता है आपका OTP, और वो आपको OTP वापस लिखना पड़ेगा। यहाँ पे सेंड OTP पे क्लिक करना है आपने, और ये मैसेज आपके नंबर पे चला गया। अब आपने वो जो मैसेज आपके नंबर पे आया है OTP, वो यहाँ पे इंटर करना है। थोड़ी देर के बाद ये आ जाता है, तो मेरा अभी आया है OTP। अब वेरीफाई OTP पे क्लिक करते हैं और ये फॉर्म आपको फिल करना पड़ता है। यहाँ पे आपका फ़ोन नंबर ऑलरेडी है, आपको आपका नाम लिखेंगे आप, पहले दो जो आपके नाम होते हैं वो लिखने, आपका नॉर्मल होता है जैसे मैं लिख रहा हूँ, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं वापस काट दूँगा। आईडी टाइप इंग्लिश आईडी, ये अपने पासपोर्ट है तो पासपोर्ट लिखना है 784 आईडी नंबर। नल्टी में पाकिस्तान लिखता हूँ, कोटेशन आईटी में लिखा हुआ है, इसमें ज़्यादा नहीं आ रहा, मैं यही सेलेक्ट करता हूँ तो आईडी चलिए। ऑपरेशन स्पेशलिस्ट मेजर आई टी है, यही सब नेक्स्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको आपकी जो कार है उसका डिटेल ऐड करनी पड़ेगी, रीज़न आप किस लिए जा रहे हैं, तो मैंने लिखा है, मैं लिखूँगा फूड और सुपर आइटम शॉपिंग के लिए। प्लेट नंबर जो है कहाँ की है, कौन सी सिटी की है, नंबर प्लेट गाड़ी की मेरे को जरा की है। अब ये कोड कौन सा है, सी है मेरे को। मेरे पास दो गाड़ियाँ होती हैं, तो अभी मेरे पास C1930 है। लोकेशन मेरी कुजारा है, और मैं कुजारा के अंदर ही ट्रैवल करना है, इसलिए मैं डेस्टिनेशन भी कुजारा ही लिखूँगा। केबल कब से होगा, आज की डेट से मैं अप्लाई करता हूँ, क्योंकि आज की फ्राइडे तो मैं हो सकता है बाहर में, इसलिए मैं परमिट ले रहा हूँ। ये टाइम मैंने रात को 12 बजे तक करना है, उसका मतलब होता है कि 11:30 PM यानी कि दिन का है, तो मैंने रात का करना है, इसलिए मैं रखूँगा 11:59 PM करूँगा, तो इसका मतलब कि रात 12 बजे से 1 मिनट पहले तक ही मेरा वैलिड होगा। अभी मैंने अप्लाई पे क्लिक करना है, अप्लाई पे करने के बाद ऐसा मुझे पेंडिंग का मैसेज आ जाएगा यहाँ पे, तो बेसिकली ये यहाँ पे मुझे शो हो रहा है, मुझे जो फाइनल कंफर्मेशन मैसेज होगा वो मुझे आएगा उस नंबर पे जो मैंने OTP के लिए यूज़ किया था, तो उसकी मैं आपको स्क्रीन शॉट अप्रूवल के बाद भेजता हूँ। डेटा मेरे ख्याल से 10-15 मिनट में आपका अप्रूवल जो होता है परमिट आ जाता है आपके नंबर पर, जो आपका रजिस्टर्ड OTP के लिए गया था। तो वेट करें, 14-15 मिनट में आपको 14-15 मिनट आपको मैसेज आ जाएगा, तो
वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल के बटन को दबाएं।